नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज की बड़ी खबर मिल रही है तराना से, जहां पर तराना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 140 लीटर की कच्ची शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार है, एक मौके से फरार। आपको बता दें कि एक तरफ जहां शासन राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से ठेकों की नीलामी न कर स्वयं ठेकों पर शराब की बिक्री करवा रही है, जिसके चलते शराबखोरी का गोरख धंधा जोरों शोरों पर है। ऐसा ही एक मामला तराना में आया है, जहाँ पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक जागीरदार मोहल्ले से दो बाइक सवार ओम प्रकाश एवं दारा सिंह को अपनी बाइक पर 140 लीटर कच्ची शराब ले जाते हुए धर दबोचा है, जिससे एक आरोपी मौके पर गिरफ्तार हो गया एवं एक आरोपी फरार है। थाना प्रभारी बाबूलाल चौधरी ने तीनों आरोपी के खिलाफ अपराधी एक्ट 34(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया एवं फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई। सर, क्या मामला है? सर, आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सूरजपुरा के दारा सिंह और ओम प्रकाश मौर्या ये अवैध शराब लेके इस प्रकार जागीरदार के यहाँ मदार रोड में देने आ रहे हैं, तो सूचना पर घेराबंदी कर नहीं बन के पहुँचे, तो इस प्रकार के घर पे ये दारू उतार रहे थे, तो पुलिस को देख के इस प्रकार और दारा सिंह भाग गए मौके से और ओम प्रकाश बद्रीला इनको पकड़ा है। कुल 143 लीटर अवैध शराब जब्त की गई तथा दो मोटरसाइकिलें जब्त की गई। सर, इन लोगों से पूछा गया, वो तो सर ये कितने दिनों से कर रहे हैं काम? ये तो अभी बता रहे हैं कि अभी ले गया है।